छाछी खाबो। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। आज हम बनाएंगे रोहू फिश। बेसिकली हम भापा बनाएंगे, भापा मीन्स स्टीम। तो आज हम स्टीम में मतलब रूई भापा में आज हम यूज करने वाले हैं ये तोरी। तोरी ना है, कुंदरी। कुंदरी तोरी, तोरी भी तो अलग होता है। अलग होता है। ओके गाइस माय बैड। तो गाइस ये है कुंदरी जो हमने काटा हुआ है। ये अपना आलू, दो तरह के प्याज है, ये सिल्के वाला प्याज है और ये नॉर्मल प्याज है। इसको हमने ऐसे ले लिया पूरा साबुत और इसको हमने काट लिया। तो रोहू फिश हमने चार पीस लिए धो के एकदम बढ़िया। सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे अपने जितने बने खाए था, ये कुंदरी प्याज डालेंगे, प्याज कुंदरी सब डाल देंगे, आलू भी डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे सारे मसाले एक एक करके। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, अब हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया पाउडर और साथ में डाल देंगे जीरा पाउडर। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे अगर मिर्ची जाता। इसके बाद हम क्या डालने वाले मम्मी? अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा एक चम्मच के करीब, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। चलिए दो चम्मच। सरसों का तेल भी डाल देंगे, सरसों का तेल ऊपर से। फिर हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये गाइस कलर के लिए होता है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो गाइस अब कुछ नहीं डालेगा इसके ऊपर, कंप्लीट है। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम एकदम बढ़िया तरीके से। तो गाइस अपने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसको 30 मिनट तक रखेंगे ढक के। आधा घंटा हो चुका है हमारा, इसको प्रिपेयर करने की। फिर हम इसमें पानी डालेंगे जितना मसाला लगा हुआ है अच्छे से डालेंगे। जो पानी डाला था सब सोक कर लिए पापा ने। एंड अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। सो मच।